भारत के संविधान ने देश के सारे ही बालग लोगों वोट पाने का अधिकार दिता है, तो उस वोट का अधिकार मैं अज करके आया। तो मैं समझदा हाँ कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिहड़ा है उहदे पक्ष विच लोग अपना फतवा दे रहे हैं, वोटां मुमा के पा रहे हैं। ये सीट मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी दे मुख्यमंत्री बनन करके उन्हां दे पार्लीमेंट तो इस्तीफा देन तो बाद खाली हुई सी, और जिहदे ते सरदार गुरमेल सिंह करांचो जी नूं पार्टी ने टिकट दे के चोन मैदान विच उतारिया होया। करांचो साहब पिंड दे सरपंच हन और एक आम सधारण परिवार नाल संबंध रखते हैं। ये काम आम आदमी पार्टी कर सकती है कि किसी सधारण परिवार के बंदे नूं और एक सरपंच नूं सीधा पार्लीमेंट का टिकट दे के उन्होंने नवाजिया है। मैं समझदा हाँ कि बिजाई का झोने की बिजाई का मौसम है, तो मौसम के विच बड़ी शिद्दत है, इस करके वोट परसेंटेज की पोलिंग घट होएगी। विधानसभा चोणां च पोलिंग बहुत ज़्यादा होंदी है, तो फिर भी मैं उम्मीद है कि 60% के लगभग मलेरकोला हल्के जिहड़ी है वो पोलिंग होएगी। और BJP या कांग्रेस या मान सिमरनजीत सिंह मान साहब इन्हां पार्टियां का कोई आधार नहीं रहा और ना ही लोग पसंद करते हैं। लोग विकास के नाँ पर वोट पाते हैं, लोग पंजाब नूं मुड़ पंजाब देखना चाहते हैं, रंगला पंजाब बनाना चाहते हैं। लोग पंजाब के किसानों नूं कौन किहड़ी सरकार खुदकुशियां दे राह तों रोक के किसानां किसानी दे किते नूं खेतीबाड़ी दे किते नूं लाहेवंद किता बना सकती है, किहड़ी सरकार यूथ दे जिहड़े मतलब बलबले न यानी उन्हां नूं खेडां दे वधिया मैदान दे सकती है, स्पोर्ट्स नूं उत्साहित कर सकती है, किहड़ी सरकार नशियां ते नत्त पा सकती है, किहड़ी सरकार होस्पिटलां च वधिया इलाज दे प्रबंध कर सकती है, किहड़ी सरकार साडे नवीआं नसलां नूं वधिया विद्या दे प्रबंध करके दे सकती है। लोग इन्हां चीज़ां नूं जाणदे नें, किहड़ी सरकार पढ़े लिखे नौजवानां लई रुजगार दा प्रबंध कर सकती है, ये लोगों नूं पता लग गया। किहड़ी सरकार करप्शन ते नत्त पा सकती है, करप्शन ने साडे पूरे समाज नूं जकड़ लिया, किसी भी महकमे च बगैर पैसे तो कोई काम नहीं सी हुंदा, ये कल्चर बन चुक्या सी पंजाब दा पिछले 73-74 सालां तो। सरकार भावें किसी भी पार्टी दी रही, चाहे कांग्रेस दी रही, अकाली BJP दी रही, पर हर महकमे च करप्शन दा बोलबाला रहा। मान साहब दी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी दी, उन्हां ने पहले दिन तो उस एजेंडे ते काम करना शुरू किया जिहड़ा एजेंडा उन्हां ने इलैक्शन च लोगों सामने पेश किया सी, और करप्शन के तालुक नाल जीरो टॉलरेंस का उन्होंने ऐलान किया, और जिहदी जद दे विच खुद आम आदमी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री भी आए और तुरंत उन्होंने भी एक्शन होया, उन्होंने भी बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल चो और नाल दी नाल उन्होंने परचा दर्ज करके जेल भेजा गया।